वंदे मातरम फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहन है, मेरी कंपनी का नाम अपटन कंसल्टेंसी है। नॉट रिक्वायर्ड। तो मेरी कंपनी का नाम अपटन कंसल्टेंसी है। हम लोग जियोपैथिक स्ट्रेस, वास्तु, नेगेटिव ऑरा एंड आयर रेडिएशन पे वर्क करते हैं। हमारी स्पेशलिटी है कि हम लोग विदाउट एनी सिविल चेंजेस सारा वर्क करते हैं। एंड मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था। इट वॉज समवॉट, मैं पहले चीज़ों में इतना बिलीव नहीं करता था, और उसके बाद जब मैंने कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस करा तो आई गेन दिस नॉलेज फ्रॉम समवन, एंड उनकी ब्लेसिंग्स के थ्रू ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ अभी भी। देन वी बेसिकली डील इन जियोपैथिक स्ट्रेस। इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना विच इज लिस्टेड ऑन द गूगल ऑल्सो। सो वॉट इट स्टेट्स इज कि अर्थ के नीचे जो पानी होता है, जब वो मूव करता है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस करता है, इट इज कॉल्ड एज जियोपैथिक स्ट्रेस। उसकी फ्रीक्वेंसी इज नियर अबाउट 210 मेगाहर्ट्ज़, एंड हम सबकी ह्यूमन ब्रेन की फ्रीक्वेंसी एंड अर्थ की फ्रीक्वेंसी 7.83 मेगाहर्ट्ज़। जब हम उस लाइन पे बैठते हैं, सोते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो हमारे वो जो बॉडी का प्रोसेस को ब्रेक कर देता है, जिसके वजह से हमारे को फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो स्टडी थी, यूएसए बेस्ड स्टडी है, एंड इट इज गोइंग फ्रॉम एडीज एंड बीसीज। वी क्योर देम विद सम सॉर्ट ऑफ आपके एलिमेंटल रॉड्स आती हैं, सिर्फ उसी के थ्रू इसको हम लोग क्योर करते हैं। देन जियोपैथिक स्ट्रेस से क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, दीज आर दी थिंग्स विच आर दी मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ जियोपैथिक स्ट्रेस। अगर आप कोरिलेट करना चाहेंगे तो जब तक दिल्ली एनसीआर में मेट्रो कम था, तो उस टाइम पर तक कैंसर के केसेस कम थे। बट उसके बाद खान पीन के अलावा जो चीज़ें नेचुरली जो बिल्कुल सात्विक जीवन जीते हैं, उसके बाद ही प्रॉब्लम आई है, उसका रीज़न जियोपैथिक स्ट्रेस है। तो जियोपैथिक स्ट्रेस आने से फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर इज द मेजर कॉज, जो ये एक लिस्टेड डॉक्यूमेंट पे भी लिखा हुआ है। देन कम्स द इनफर्टिलिटी, फ्लक्चुएशन ऑफ बीपी, कई लोगों को एकदम से बीपी की प्रॉब्लम ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, लोगों को फेंटिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, तो इसकी वजह से होता है। हाइपरटेंशन, मिसकैरेजेस, देन कम्स दी आपका वर्क प्लेस पे मशीन फेलियर कॉमन हो जाता है, स्टॉक अटकने के चांसेस हो जाते हैं, लैक ऑफ ऑर्डर्स, स्टक ऑफ मनी एंड इंस्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ। ये जो लाइन्स हैं कुछ ग्रिड्स में वर्क करती हैं, जब भी कहीं डीप डिगिंग होती है, उसकी वजह से जब टेक्टोनिक प्लेट्स में क्रैक आते हैं, तो उस स्पेस से ये लाइन एस्केप करती है। जब वो लाइन ऊपर आती है तो जहां से वो क्रॉस करेगी वहां पर ये अकॉर्डिंग टू दिस जोन उसको हैम्पर करती है। इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं, कभी कभी ऐसी चीज़ें भी हो जाती है जिसको हम लोग गेज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कहीं से क्रॉस करते हैं, हम बोलते हैं अलग चौक बहुत ज़्यादा भारी है, यहाँ पर बार बार एक्सीडेंट होते हैं, तो उसके पीछे कई बारी केसेस में जियोपैथिक स्ट्रेस भी देखा गया है। इसके ऊपर एक बॉम्बे पुणे हाईवे पे टेस्ट भी हुआ था, तो देर इज अ लॉन्ग स्ट्रेच, स्ट्रेट स्ट्रेच, वहां पर काफी एक्सीडेंट होते थे। उस टाइम पे जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने वहां पर उसको गेज करके ठीक करा, एंड वो वहां पर एक्सीडेंट की फ्रिक्वेंसी काफी कम हो गई। तो इट्स अ फिनोमिना जो नेचुरली है, एंड इसको साइंस ने भी प्रूव करा हुआ है। देन आफ्टर डूइंग दैट वी गो इन टू वास्तु डिफेक्ट्स। वास्तु में हम लोग बेसिक वे से वर्किंग करते हैं, उसको प्रिसाइज करने के लिए हम जियोपैथिक स्ट्रेस करते हैं। तो वास्तु में इट्स अ नॉर्मल थिंग जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करते हैं, वी डू इट ऑन द 16 ग्रिड। हम उसका पहले आपके प्रोसीजर में आपके घर का नक्शा बनाते हैं, देन उसके ऊपर सारी ग्रिड वर्किंग करते हैं, देन उसमें आपको प्लस एंड माइनस सारे बताते हैं कि उसमें क्या है। अगर आपके वो सिम्टम सारे मैच करते हैं, देन वी ओनली प्रोसीड, नहीं तो हम उसको साइड को वहीं पर छोड़ देते हैं, जिससे कि इट शुड बी कि भाई आपको वो प्रॉब्लम एक्चुअली में है कि नहीं है, सिम्टम्स आपके मैच करने चाहिए। देन ये हमारे कुछ अदर सर्विसेज हैं जो इन चीज से रिलेटेड होती हैं। नेगेटिव आयर रेडिएशन, इसमें जो हमारा नेगेटिव रेडिएशन होती हैं वो जियोपैथिक स्ट्रेस मशीन के थ्रू ही डिटेक्ट होती हैं। इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम मेजरली आयर रेडिएशन से होती है। देन कम्स दी ह्यूमन ऑरा, जिसमें हमारे 7 चक्रास मेजर को हम बैलेंस करते हैं, एंड देन कम्स दी जेम कंपैटिबिलिटी, आप जो जेम पहनते हैं वो आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वी कैन
टेस्ट इट एंड टेल यू विद दी मशीन। इसमें एडवांस वास्तु में वही होता है जब इनका हम लोग मिक्सचर कर देते हैं। ये हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं, यूकैट, कॉटन काउंटी, वेल्थ जिम, ये कुछ और हैं। देन ये हमारी सिस्टर कंसर्न कंपनी है, तो इसके अंदर हम लोग कुछ अलग प्रोडक्ट्स करते हैं। ये कुछ टेस्टिमोनियल्स है, यहाँ पर क्लियर नहीं आ रहे। सो टेस्टिमोनियल्स में सो बेसिकली वी प्रेफर डूइंग नॉट डूइंग एनी सिविल चेंजेस। तो ये टेस्टिमोनियल्स भी उसी चीज़ से रिलेटेड मेजरली हैं कि हम लोग कहीं जाते हैं तो अगर कोई सिविल चेंज हो जाता है हम लोग उससे बचते हैं। दीज आर सम टिप्स जो हम सजेस्ट करते हैं। इन एन ऑफिस बिल्डिंग द बिजनेस ओनर रूम शुड बी इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंड हिज डेस्क शुड बी प्लेस्ड सो दैट ही सिट्स द फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो जब बॉस अगर साउथ वेस्ट में बैठ के काम करेगा और नॉर्थ फेसिंग करके काम करेगा तो उसमें उसको फाइनेंशियल चैलेंजेस कम आएंगे। ही और शी कुड मेक गुड डिसीजन एट द राइट टाइम। द डेस्क ऑफ और वर्क स्टेशन ऑफ एम्प्लॉय शुड बी डिजाइन सो दैट दे फेस आइदर नॉर्थ और ईस्ट टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इफ आपके एम्प्लॉयज साउथ या वेस्ट फेस कर बैठे होंगे तो वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे, वो बार बार मिस्टेक्स करेंगे। इररिस्पेक्टिव इफ दे वॉन्ट टू डोंट वॉन्ट टू डू इट करेक्टली तो एक वो बात अलग है, बट लेकिन मेजरली अगर आप नॉर्थ या ईस्ट में बैठाओगे तो वो ज्यादा चांसेस होता है कि उनसे गलती कम होगी एंड फ्यूचर में आपका लॉस कम होगा। द नॉर्थ वेस्ट इज द डायरेक्शन दैट इन्फ्लुएंसेस फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस। दिस इज द बेस्ट एरिया टू प्लेस मार्केटिंग टीम एज दे आर द वंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग इन मोर बिजनेस टू इंक्रीज रेवेन्यू। द एरिया शुड बी फ्री ऑफ एनी नेगेटिव एलिमेंट्स। सी मेजरली वास्तु कंसल्टेंट्स क्या कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट इज अ विंड जोन एंड इट इज कंसिडर टू बी अ फ्री जोन। बट कई लोग ये भूल जाते हैं कि इट्स अ सपोर्ट सेक्टर, यहाँ पर आपके मार्केटिंग वाले बैठेंगे तो दे विल रन इन द मार्केट मोर फ्रिक्वेंटली एंड ब्रिंग मोर बिजनेस टू यू, जिससे आपकी कंपनी और आपकी ग्रोथ जल्दी होगी। कुछ मिथ्स भी हैं। वास्तु इज अ साइंस ऑफ बिल्डिंग, इट इज पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन सिंस एंशियंट टाइम्स, बट नाउ मैनी सो कॉल्ड वास्तु पंडित आर स्प्रेडिंग अननेसेसरी फियर एंड मिथ्स विच इज जेपरडाइजिंग द होल साइंटिफिक रीजनिंग बिहाइंड दी वास्तुशास्त्र। हम लोग जैसे जैसे मॉडर्नाइज हुए हैं हम लोग अपने रूट्स को भूल गए हैं। तो आज से आप 40-50 साल पुराने कोई घर देखेंगे जो गांव में या अभी भी जो पुराने देखेंगे, उन घरों में ज़्यादातर वॉशरूम बाहर होता था, हमारे प्रीमिसेस के अंदर नहीं होता था। और अगर होता भी था तो जनरली ऐसे जोन में होता था कि गलती नहीं होती थी वहाँ पर, एंड ये उस टाइम के ठेकेदार को या मिस्त्रियों को ही पता होता था। आज की डेट में ड्यू टू कमर्शलाइजेशन एंड लैक ऑफ स्पेस लोगों ने ईशान को नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट लाने स्टार्ट कर दिए हैं, जिसके वजह से प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। कई लोग बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के वॉशरूम आने से कैंसर आता है, दैट इज अ प्रूवन थिंग, बट उसमें कुछ कॉशंस होते हैं कि एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट का होना चाहिए, नॉर्थ से ईस्ट के बीच का नहीं होना चाहिए। वास्तुशास्त्र शुड हेल्प पीपल क्रिएट बेटर लिविंग एंड वर्क स्पेसिस फॉर देयर बेनिफिट इंस्टेड ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग देम। वास्तु कभी नेगेटिव नहीं करता, आप किसी से भी कराएंगे वास्तु कभी नेगेटिव नहीं करेगा, वास्तु हमेशा आपको अच्छे रिजल्ट ही देगा, कभी आपको चैलेंजेस फेस नहीं करने देगा। जो आपके स्टार्स में लिखा है वो नुकसान को डिक्रीज कर सकता है एंड प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकता है। इट कैन नॉट डिजॉल्व द प्रॉब्लम फ्रॉम द बेसिस, आपको कोई जड़ से कोई प्रॉब्लम को सॉल्व, मतलब आपको कोई फॉर एग्जाम्पल कोई नुकसान आना है, कोई एक्सीडेंट किसी का लिखा तो वो होगा, बट उसका इम्पैक्ट चेंज हो जाएगा, नथिंग एल्स। आप ये नहीं बोल सकते कि वास्तु करके मैं 7वीं 8वीं मंजिल से जब मार जाऊंगा बच जाऊंगा, दैट इज रॉन्ग। तो जो फेक प्रोमिसेस हैं वो गलत हैं। ये एक पॉइंट है जिसमें किचन एडजॉइनिंग अ टॉयलेट इज इनऑस्पिशियस। किचन और वॉशरूम की अगर वॉल कॉमन हो जाती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ आपको कह सकते हैं थोड़ा सा तंग करने के लिए है। एंटी क्लॉकवाइज चेयर इज इनऑस्पिशियस, ये भी गलत है। इफ यू आर गेटिंग अ गुड एंट्री देन इट्स अ गुड थिंग। साउथ फेसिंग एंट्रेंस ब्रिंग्स पॉवर्टी, ये भी गलत है। साउथ फेसिंग में एक अच्छी एंट्रेंस होती है, छोटा एरिया होता है, उसको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इफ यू आर एबल टू गेज दैट तो आप उसको निकाल सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा। सो दीज आर माई टारगेट ऑडियंस। कॉर्पोरेट्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, NRIs, फार्म हाउसेज, होटल रिजॉर्ट्स, बैंक्वेट हॉल्स। थैंक यू।